अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द प्योर लव स्टोरीज। कैसा आप सब ठीक हो? स्टोरी पे आते हैं, अनकही मोहब्बत एपिसोड 5। वेल, लास्ट पार्ट में हमने जाना कि वो सब घूमने की प्लान करते हैं और जो मायशा है वो बोलती है ठीक है आप सब रेडी हो क्या, मैं नीचे जाती हूँ गाड़ी निकालती हूँ। तो जो पंखुड़िया बोलते एक मिनट, इन्हीं कपड़ों में तुम पहले एयरपोर्ट गई फिर वापस आई फिर अपना घर गई फिर वापस आई, अब तुम इन्हीं कपड़ों में हमें घूमने ले जाओगी? तो वे बोलते नहीं मैडम, मैं चेंज करूँगी फर्स्ट फिर जाऊँगी। बोलते अच्छा ठीक है। तो अब आगे सब लोग रेडी होने जा ही रही थी कि जो पलक की सासू वो बोलते बेटा मैं नहीं जा पाऊँगी क्योंकि तुम्हारी ससुर है, मैं उन्हें अकेले छोड़ के कभी नहीं जाती। तो पलक की जो मॉम है वो भी बोलती है बहन जी अगर आप नहीं जा रहे हो तो मैं अभी नहीं जा रही हूँ क्योंकि मेरी सर पर दर्द है और मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही। तो पलक जो है बोलते ठीक है आप दोनों रहिए रेस्ट कीजिए हम लोग घूम के आते हैं। तो सब लोग रेडी होने जाते हैं। तो जब मायशा तो पहले जाती है ना वो, फिर उसे रेडी होने में लेट भी नहीं है तो वो रेडी होकर आ जाती है। जब आती है तो पहली बार पलक की जो मॉम है वो उसे देख के थोड़ी बहुत गौर से उसे देखती है क्योंकि आज मायशा ने मुझे बिजनेस वुमेन बिजनेस सूट पहनी थी, वुमेन सूट, ये थोड़ी लेडीज टाइप की है, जो कोट है वो थोड़ी साइड कट डिज़ाइन है जो लेडीज़ के लिए ही होती है। तो बहुत खूबसूरत लग रही थी मायशा और जो कलर है कलर कॉम्बिनेशन तो माशाल्लाह ऐसा कलर होती है जो मायशा पे बहुत सूट करता है, बहुत जस्ती है उस पर ये कलर, वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी और अपने बाल को पोनी टेल की थी, हाथ में वॉच, मस्त लग रही थी एकदम बिजनेस वुमेन टाइप। तो वो उसके पास आते बोलते हैं बाप रे कितना खूबसूरत हो तुम, कितनी प्यारी लग रही हो तुम, किसी की नज़र ना लगे। फिर वो उसकी नज़र उतरती है और अपनी आँखों से काजल उसके कानों पर देती है, बोलते हैं हमेशा खुश रहो बेटा, ये बोल के उसके सर पर हाथ बुलाती है। जो पलक की सासू माम है वो भी उसके हाथ पे बोलते हैं हाँ हाँ खूबसूरत क्यों नहीं लगेगी, मेरी बेटी तो है, दो दो बेटी मिली मुझे। तो जो वो पलक की सासू माम बोलते बेटा आप जाओ संभाल के सबको ले जाओ और संभाल के ले आना और हाँ पलक का ध्यान रखना। तो बोलते हैं जी आंटी आपको, आप फिक्र मत कीजिए मैं ध्यान रखूँगी, ये बोल के वो उनको बोल के जिम कि मैं नीचे जाती हूँ आप उन सबको भेज दीजिएगा, ये बोल के वो वहीं से चला जाती है और गाड़ी निकल के वो रोड पे बिल्डिंग के सामने ही खड़ी हुई थी कार के सब। तो जो पलक है वो सब लोग रेडियो कहते हैं, जो पलक है वो साड़ी नहीं पहनी थी, बहुत ही प्यारी सी एक ट्रेडिशनल सूट पहनती है और जो सब लोग तो आ ही जाता है लेकिन जब पंखुड़िया थोड़ी लेट आती है लेकिन बाय गॉड जब वो आती है तो सब लोग उसकी तरफ देख रही थी, हीरोइन है एकदम, हीरोइन टाइप एंट्री होती है उसकी, साड़ी पहनी थी वो भी सिल्क, कलर कॉम्बिनेशन तो उफ ब्लैक एंड वाइट और उसकी जो स्लिम फिगर बाय गॉड, हाई हील, पैरों पे पायल, फिर जो उसकी कमर है उसमें वो जो पहनते हैं ना कमर में लोग, मुझे उसका नाम नहीं पता यार, शायद पता है शायद अभी ध्यान में नहीं आ रही है, वो पहनते जो उसकी खूबसूरती को और निखार देती है। फिर हाथों में चूड़ी, माथे पे बिंदी, आँखों में काजल, गले में एक लॉकेट, बाल खुली हुई, बहुत ही खूबसूरत नायाब लग रही थी वो। तो जो पलक है उसके पास जाते हैं तो उफो मेरी हीरोइन तो आज कमाल लग रही है, कितनों को गिराने की इरादा है तुझे, मैं बोलते हट किसी को गिराना विराना नहीं है, मैं अपने लिए रेडी हुई हूँ। बोलते अच्छा अरे मेरी बहन को किसी की नज़र ना लगे, बहुत खूबसूरत लग रही है, ये बोल के वो उसे काजल का टीका लगा देती है उसके कानों के नीचे। फिर वो लोग उसके सासू मोम और मोम से विदा लेते हैं और नीचे आते हैं। तो उसने तो जो पंखुड़ी है वो तो साड़ी भी पहनी थी और हाई हील भी, तो वो धीरे धीरे आती है, सब लोग आ जाते हैं लेकिन वो उसको थोड़ी लेट होती है। तो जो मायशा है वो उससे बात
कर ही रही थी माँ पलक से, तो पलक तो मायशा को देख के एकदम स्तब्ध हो गई थी, क्योंकि इन 2-3 दिन में तो उसने उसे इस अंदाज में नहीं देखी थी, तो आज थोड़ी डिफरेंट थी। और वो इन दिखने में तो एट्रैक्टिव थी, आज और ज्यादा खूबसूरत लगे। तो बोलते आय हाय तुम तो क्या बोलो कयामत लग रही हो। तभी जब मायशा बोलती मैम प्लीज इतनी भी खूबसूरत नहीं हूँ मैं, नॉर्मली रह गई हूँ। बोलते नॉर्मली ही तुम बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही हो सच में। तभी जब विकास है वो उसकी नजरों का जो इशारा है, या फिर कहो एक नजरों का भी इरादा होती है कि सामने वाले को जिस इरादे से देखते हो, वो इरादा अच्छा तो नहीं था, बहुत इंटेंस नजरों से उसे देखती है। फिर जो विकास से बोलते दीदी मैं सामने बैठ जाऊँ उनके साथ, तो जो पलक है वो तो जानती है मायशा के बारे में थोड़ी बहुत, क्योंकि अभी ने उसको बहुत कुछ बोला था। तो बोलते नहीं तुम पीछे सीट में बैठ जाओ, और उस मानी पलक को रोक के बोलते मैडम प्लीज आप मेरे साथ बैठ जाइए सामने। तो पलक बोलते हाँ मैं यही बोलने वाली थी। तो जो मायशा वो पलक को बोलती है जी मैडम, और ये बोलने से पहले ही उसकी जो नजरे है वो सामने की नजर में अटक जाता है, क्योंकि तभी हमारी हीरोइन की जो एंट्री होती है अपनी पल्लू को संभालते हुए। एक फोन उसके हाथों में थी, फोन में नजर गिराए हुए वो सामने आ रही थी। तभी जो मायशा है उसको मानो कि 10 या 15 सेकंड के लिए वो पूरा दुनिया से अलग हो जाती है। वो बस एक बार वो इस नजरों से तो उसने कभी किसी को नहीं देखी थी, लेकिन आज पहली बार मायशा ने किसी को सर से लेकर पाँव तक एक बार स्कैन किया, जो शायद किसी और ने ये नोटिस नहीं की। मायशा ने बहुत गौर से उस नजर को देखा कि एक तो उसकी स्लिम फिगर, ऊपर से साड़ी और ऊपर से ये कलर कॉम्बिनेशन। फिर जो पलक है बोलते हाँ बोलो मायशा क्या बोल रही थी। तभी उसकी जो ध्यान है वो पलक पे आती है और बोलते मैडम कुछ नहीं हमें जल्दी निकलना है, यही बोल रही थी। हाँ, तो जो मायशा है वो तुरंत टान होती है और जो अपने साइड के सीट के डोर को ओपन करती है, पलक को बैठाती है और बहुत ही आराम से सीट बेल्ट लगा देती है। और फिर वो पंखुड़ी के सामने जाते हैं, तो अचानक जब पंखुड़ी के सामने कोई खड़ी कोई इंसान होती है, तो जब पंखुड़ी उसे देखती है पंखुड़ी भी शॉक हो जाती है, क्योंकि उसने इस अंदाज को मायशा की कभी सोची नहीं थी। उसे लगता है कि मायशा बहुत ज्यादा रूड इंसान है, या को खरोस ठीक से बात नहीं करती ऐसे टाइप। तो जब उसने इस अवतार में उसको देखा तो उसकी वो फोन में जो देख रही थी वो उसको फोन अपना नीचे कर देती है और एक बार उसे स्कैन करती है सर से लेकर पाँव तक। और उसे तो बहुत अंदर से थोड़ी अजीब फीलिंग होती है, लेकिन वो उस चीज़ को ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं देती और वो अपनी नज़रें हटा लेती है। तो मायशा उसकी साइड की डोर ओपन करते बोलते हैं प्लीज़ मैडम बैठिए। तो वो बैठती है, और वो जब वो बैठती है तो उसकी दुपट्टा थोड़ी सी सीट से बाहर होती है, अगर डोर ऑफ कर दो तो शायद बाहर से उसकी साड़ी के पल्लू की जो एक कोना है वो शायद रह जाएगा। तो वो बहुत ही आराम से वो पल्लू को उठाते हैं, उसको दे देते, फिर डोर ऑफ कर देते। तो जो विकास है उसके लिए तो डोर नहीं खोलती, वो बस अपनी साइड आके बैठ जाती है। और विकास भी पहले अरुण बैठता है मिड में, फिर विकास बैठता है। फिर जो मायशा बोलती है मैडम देखिए हमारे पास ज़्यादा वक्त नहीं है, क्योंकि जो डिस्टेंशन है वो थोड़ी दूर है, हमें रात 10 के आगे घर पहुंचना है, और हम ज़्यादा से ज़्यादा 2 ही प्लेस में ही जा सकते हैं। मैं कुछ प्लेस बोल रही हूँ, एक मंदिर है और बहुत सारे हैं, मैं 2 सिलेक्ट किया क्योंकि ज़्यादा दूर नहीं जा सकते हैं। एक तो आहसान मंजिल है टूरिस्ट प्लेस में, और एक है यहाँ के फेमस मंदिर ढाकेश्वरी मंदिर।
तो आप लोग डिसाइड करो कि पहले कहाँ पे जाना है। तो जो पंखुड़ी हो पीछे से बोलती है, पहले हम ऐसा मंदिर जाते हैं फिर हम ढाकेश्वरी मंदिर होके आएंगे। तो महिषा कुछ नहीं बोलती, फिर वो गाड़ी स्टार्ट कर देते हैं। फिर जो अरुण है वो बोलता है, अरे यार दीदी कितनी बोरिंग फील हो रहा है, एक सॉन्ग तो बजाओ। तो जो महिषा है वो सॉन्ग की, जो गाड़ी में जो साउंड सिस्टम है वो बटन स्विच करते हैं तो सॉन्ग बजते हैं और सब डीजे सॉन्ग बजते हैं। तो सब लोग इंजॉय करते करते वहाँ पे पहुँच जाते हैं। कई घंटा तो लग ही जाते हैं, 1 घंटा तो लग ही जाता है वो पहुँचने में। तो जब पहुँच जाते हैं तो जो महिषा है वो पहले खुद उतरती है, फिर जो वो अलग की उस साइड पे जाती है, डोर ओपन करती है और खुद ही उनकी जो सीट बेल्ट है वो खोलती है। फिर हाथ पकड़ के उन्हों गाड़ी से उतारती है। फिर जो पलक है बोलती है, तुम मेरी इतनी केयर मत करो, मुझे आदत हो जाएगी तुम्हारी, फिर मैं कहाँ पाऊँगी तुम्हें। तो मुझे कुछ नहीं बोलती, डोर ओपन करके। फिर वो जाने ही वाली थी पंखुड़ी की साइड की पंखुड़ी, तभी अपने आप ही निकल जाती, लेकिन वो हड़बड़ी में निकलते हुए उसकी जो साड़ी की पल्लू है वो सीट बेल्ट की जो एडजस्टमेंट है वो अटक जाती है। वो थोड़ी कोशिश तो करती है लेकिन उससे हो नहीं पाती। तो जो महिषा है वो उसके पास जाती है, उसकी नज़रें झुकी हुई थी, वो नज़रें ऊपर नहीं करती। वो जो पंखुड़ी की हाथ है उसके नीचे से ही वो साड़ी की पल्लू को पकड़ती है। और पंखुड़ी को जैसे ही एहसास हुआ तो उसकी अचानक जो हार्ट बीट है वो बढ़ जाती है और उसे ये महसूस होता है कि उसकी हार्ट बीट बढ़ रही है। तो वो थोड़ी सी साइड होती है, तब तक महिषा ने उसकी पल्लू चुरा लेती है। लेकिन जब वो उसकी पल्लू उसे उसके हाथों में देगी, तभी उसकी नज़र जो है उसकी पल्लू चुराने में उसकी जो थोड़ी सी साइड हो जाती है, जिसकी वजह से उसका पूरा पेट और उसका जो नेवल है वो इतना ही अट्रैक्टिव है, वो पूरा दिख रही थी। और सबसे यूनिक जो चीज़ है, उसकी नेवल की कॉर्नर की एक साइड पे तिल है जो बहुत ज़्यादा ही अट्रैक्टिव थी। उसे देख के तो उसकी नज़र नहीं हटती, फिर बोलती है, हाँ निकल गई, थैंक यू। जब वो पंखुड़ी थैंक यू बोलती है वो अपनी ध्यान से हटती है, बोलती हूँ ओके मैडम कोई ना। फिर वो डोर ऑफ करते और सब लोग वहाँ से पैदल ही, क्योंकि जो टूरिस्ट प्लेस है वहाँ पे जो इंटर साइड है वहाँ पे गाड़ी नहीं ले जा सकते। गाड़ी आप बाहर पार्क करोगे फिर आप एंटर करके वहाँ पे पैदल ही घूमना पड़ता है। वैसे ये एक बहुत बड़ा प्लेस टाइप है, हसन मंजिल जो होते हैं ना, राजाओं की महल बहुत बड़ा, वैसे ही जो ब्रिटिश अमल से है, बहुत बड़ा सा साल, 100 साल या 200 साल पुराना एक महल, वही टाइप कुछ है। उसकी आसपास के एरिया बहुत खूबसूरत और गार्डन टाइप हुआ रहता है, इसलिए काफ़ी लोग वहाँ पे पैदल ही घूमना पसंद करते हैं। इसलिए वहाँ पे गाड़ी या कोई जान बहन की एंटर नहीं होती। तो जब वो लोग एंट्री करते, इससे पहले वो लोग कुछ खाने पीने को ले लेते हैं, जैसे कि चिप्स, चॉकलेट, जूस, आइसक्रीम, ऐसे कुछ ले लेते हैं। तो जो महिषा है वो तो पलक की पीछे पीछे चल रही थी, क्योंकि उसे उसे पलक की ध्यान ही रखना था सबसे ज्यादा। इसीलिए तो पलक बोल रही है, यार तुम मुझे बॉडीगार्ड की फीलिंग क्यों दे रही हो, साथ में चलो पीछे नहीं। तो जो महिषा बोलते हैं, मैडम मैं ठीक हूँ, आप चलो मैं साथ में चलती हूँ, मैं साथ में ही हूँ। तो वहाँ पे प्लेस, वो जो प्लेस था वो बहुत खूबसूरत था, बहुत नया फूलों की जो ट्री होती है वहाँ पे थी, पेड़, जो फूलों का पेड़ क्या बोलते हैं यार इसे हिंदी में मुझे नहीं पता, सॉरी यार। तो बहुत
अच्छी अच्छी खूबसूरत खूबसूरत फूलों की ट्री वहाँ पे होती है, जो डिफरेंट डिफरेंट है, यूनिक बोल सकते हैं, गार्डन एरिया टाइप। फिर वो लोग, फिर जो पंखुड़ी है वो अपना फोन निकलते बोलते आओ सब पिक क्लिक करते हैं, तो सब लोग क्लिक करते हैं, लेकिन जो महिषा वो उस साइड पे रहती है, उसे ये सब पसंद नहीं, क्लिक क्लिक करना है ये सब बिल्कुल नहीं पसंद। तो जो महिषा है वो क्लिक क्लिक करते 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 एक साइड अलग हो जाती है, थोड़ी दूर चले जाती है, बाकी चार लोग वहीं पे खड़ी रहती है। तो जो महिषा है वो वो पलक के लिए फ्रेश जूस लेती है, जो हेल्दी होती है उसके लिए, तो वो उसे ओपन करके देती है, मैडम ये पी लीजिए आप, तो वो देती है, तो उसकी नज़र इधर उधर होती है, तो वो जो पंखुरी को नहीं देखती, तो वो बोलती है मैडम आप यहीं पे रुको, मैं थोड़ी उधर से आती हूँ। बोलती तुम कहाँ जा रही हो? बोलते मैडम आपकी सिस्टर यहाँ पे नहीं दिख रही, मैं तो यहाँ पे कुछ नहीं मालूम, तो मैं उनको लेके आती हूँ। तो हाँ हाँ ठीक है जाओ, मैं यहीं पे हूँ, मैं नहीं ऐसे नहीं लूँगी। तो जो वो महिषा वहाँ से धीरे धीरे आगे बढ़ती है, और जो पंखुरी है उसका क्या होता है, वो क्लिक क्लिक करते करते एक अदर साइड पे चली जाती है, और वहाँ पे ऑलरेडी दो तीन लड़के जो दिखने में अच्छा नहीं होता, वो होता ना लफंगा टाइप, वैसे दो तीन लड़के वहाँ खड़े थे, और जब उसको देखते हैं वो लोग, तो वो तो नॉर्मली खूबसूरत लग रही थी बिना सलवार ऊपर से साड़ी, तो वो लोग उसके पास आते हैं और उसे टीज करने लगते हैं। तो जो मायशा है वो थोड़ी देर इधर उधर जाने के बाद फिर वहीं पे पूछते वहाँ पे पहुँचती है, और देखती है कि दो तीन लड़के उसको टीज कर रही है, तो वो वहीं पे जाता है, उस जगह पे जाता है, बोलते क्या प्रॉब्लम है आप सबको? तो वो लड़के बोलते हैं जी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन सामने का नज़ारा बहुत मस्त है, हम बस वही देख रहे थे, हाय क्या मस्त नज़ारा है। उस फिर उस लड़कों में से एक लड़का बोलता है अरे यार सामने का नज़ारा छोड़, इसे देख इसे कितनी खूबसूरत है यार, बंदी देखने में तो कड़क है। फिर वो लोग अपने अपनी बातें कर रहे थे, तो जो मायशा है वो पीछे मुड़ती है, और अपनी नज़रें उसकी तो नीचे झुकाई हुई रहती है, तो वो जो पंखुड़ी को बोलती है मैडम आप प्लीज़ यहाँ से जाइए, मैं इन सबको देखती हूँ। तभी जो पंखुड़ी बोलती है क्या देखती हो, क्या तुम्हारा देखती हो का क्या मतलब, तुम भी चलो मेरे साथ। तो बोलती मैडम प्लीज़ आप जाइए यहाँ से, मैं देखती हूँ। तो पंखुड़ी फिर कुछ नहीं बोलती, वो वहाँ से चली जाती है, और जो महिषा है वो तो पीछे मुड़ी हुई थी, तो उनमें से एक लड़का उसकी शोल्डर पे हाथ रखने ही वाला था कि मायशा उसके हाथ को पकड़ लेता और खींच के एक थमाचा मारते उस लड़के के गाल पे, पूरा पाँच उंगली का निशान बैठ जाता है, वो लड़का गिर जाता है। फिर जो दूसरे एक लड़का था बोलते क्या बदतमीजी आपने उसे मारा क्यों? तो बोला खबरदार मुझे टच करने की कोशिश भी मत करना, वरना यहाँ से सही सलामत नहीं जा पाओगे, तुम में से कोई एक भी नहीं जा पाएगा यहाँ से। तभी वो लड़का बोलते अच्छा धमका रहे हो, ऐसा क्या है तुम्हें? वो जो महिषा है वो बोलते मुझ में कुछ नहीं है, मैं नॉर्मल इंसान हूँ, लेकिन खुद की हिफाजत करना मुझे आता है, तो तुम्हारी अच्छे के लिए बोल रही हूँ, तुम लोग यहाँ से सही सलामत चले जाओ, मैं अगर अपनी आप में उतर आई तो यहाँ से ठीक से नहीं जा पाओगे। तो अब तो ईगो पे लग गया था कि एक लड़की ऐसे बोल रही है, तो एक और लड़का उसे उसके सामने तो बोलता अच्छा क्या कर लोगे तुम? और जैसे ही उसे टच करने वाली थी उसने उस लड़के के हाथ को पीछे से मरोड़ा और एक लात मारी, तो वो लड़के के जो क्या बोलूँ यार मिडिल पॉइंट पे लगता है, और वो बंदा अपने मिडिल पॉइंट पे हाथ रख के बैठ जाता है, और जो तीसरा बंदा था वो तो डर गया, वो बोलता है भाई तुम लोग रुको मैं जाता हूँ, तो वो भाग जाता है, और उधर जो पंखुड़े है वो जाते हैं अपने उस साइड पे जो पलक रहती थी, बोलते यार वहाँ पे मैं गई थी
क्लिक कर रही थी और कुछ लड़के मुझे छेड़ रहे थे और मायशा ने मुझे यहाँ भेज दिया। और उसके पास वो लड़के हैं, पता नहीं क्या कर रहे होंगे। तो जब बीका से ये सुनता है तो वो दौड़ के बोलते हैं चलो अब सब, तो दौड़ के वहाँ पे जाते हैं। वो जाके देखते हैं दो लड़के गिरे हुए हैं और मायशा बस नॉर्मली खड़ी हुई थी। तो सब लोग शॉक, सबसे शॉकिंग बात ये तो जो पंखुरी है वो सबसे ज्यादा शॉक होती है कि ये लड़की इन लोगों को मारा कैसे। उसे बिल्कुल एक्सपेक्ट ही नहीं की थी कि मायशा ऐसे भी कर सकती है। तो बस उसे घूर के देखती है। तो जो पलक है बोलते हैं इनको क्या हुआ। तो भी वो मायशा बोलते मैम कुछ नहीं, इनको शायद इन्होंने शायद ज्यादा खा लिया था तो शायद एसिडिटी होगी इसलिए नीचे बैठ के अपने पेट पे हाथ रख के बैठ गया। तभी जो उसका पलक का छोटा भाई है वो जोर से हंसता है। तो वो लड़कों के पास जाते बोलते भैया इतना क्यों खाते हो, कम खाया करो, हेल्थ अच्छी अच्छा रहेगा आपका। तो वो जो पलक है वो जोर से हंसती है ऐसे ही है। तो जो विकास है वो तो पूरा फ्लैट हो जाती है, फ्लैट हो जाता है मायशा के ऊपर कि बंदी एक तो उसका जो ये नेचर है और ऊपर से इसका जो बोलने का तरीका बोले या जो भी और कुछ अदाए है, ऐसे मैं डिटेल्स में कैसे बोलूं, कुछ अदाए है जो आयशा की अट्रैक्टेड होते हैं लोग उस पर। वैसे तो वो बंदा पूरा फ्लैट हो जाता है उस पर। तो फिर ये लोग थोड़ी बहुत और इधर उधर हटते हैं और जो हमारा हीरोइन वो तो घूर घूर के वो सिर्फ मायशा को देख रही है। ऐसा लगता है कि उसको यकीन ही नहीं है कि ये भी मार सकती है उस दो बंदे को। वो कुछ देर बाद बाद घूर के देख रही थी और जो मायशा है वो तो अपनी ही धुन में है, वो बस पलक के पीछे पीछे चल रही थी। फिर ये लोग 1 घंटा वहाँ पे थोड़ी देर पैदल घूमती है। घूमने के बाद वो लोग बोलते हैं हाँ शाम होने वाली है आप क्या करें। तो बोलते हैं तो मायशा बोलते हैं मैडम अब हमें मंदिर की वहाँ पे जाना है। बोलते हैं हाँ चलो यार मैं तो अभी से थक गई, पलक बोलती है। तो जो मायशा बोलती है मैडम अगर आप चाहो तो क्या हम घर वापस चले। तो जो पलक बोलते नहीं नहीं ठीक है पहले मंदिर जाते हैं, मंदिर भी जरूरी है जाना, मंदिर चलते हैं। तो फिर जैसे वो लोग आए थे जिस जिस सीट पे बैठ के ठीक वैसे ही मायशा पलक के लिए डोर ओपन करती है, बैठाती है, सीट बेल्ट लगाती है। पर इस बार वो पंखुरी की साइड वहाँ नहीं जाती क्योंकि इससे पहले पंखुरी ही डोर ओपन करके बैठ जाती है और मायशा भी बैठ जाती है अपनी सीट पे। लेकिन इस बार पीछे से जो पीछे से सीट है बैक सीट, दो इंसान घूर घूर के मायशा को देख रहे थे। विकास भी देख रहा था और मायशा पंखुरी भी देख रही थी। और पंखुरी को पता नहीं कुछ अजीब सा फील हो रहा था। वो सोच रही थी कि जब इसने मेरे पल्लू को चुराने में मेरी हेल्प की थी, जब इसके हाथ मेरे हाथ से टच हुआ तो मेरी हार्ट बीट इतनी फास्ट क्यों हुई। वो बहुत कुछ होता और कुछ कुछ बाद ही वो मायशा को देख रही थी। एक बार तो पलक की नजरें भी लुकिंग ग्लास पे जाती और देख लेती है कि जो पंखुरी है वो मायशा को बहुत घूर के देख रही थी। तो पलक ये नोटिस करता है पर वो ज्यादा उसमें गौर नहीं करती। सॉन्ग बज रहा होता है तभी इस बार जो मंदिर का डेस्टिनेशन थी वो बहुत थोड़ी सी दूर थी कि 1 घंटा 20 मिनट तो लग ही जाता है वहां से। फिर ये लोग मंदिर वहां पे जाते और मंदिर जो है वो बहुत बड़ा था। फिर सब लोग गाड़ी से उतरती है और इस मंदिर में ना बहुत ज्यादा सीढ़ियाँ होती है, सीढ़ी बहुत ज्यादा होती है। तो जो महिषा है सॉरी है वो जो महिषा है वो पंखुरी की साइड वहां जाके बोलते हैं मैडम आप हील्स उतार दीजिएगा क्योंकि
यहाँ पे बहुत सारी सीढ़ियाँ है, अगर थोड़ी बहुत इधर उधर हो गई तो आप गिर सकते हो क्योंकि आपने साड़ी पहनी है। महिषा बोल के, हाँ मुझे पता है इतनी भी बेवकूफ नहीं हूँ मैं। तो पलक उसकी तरफ दिखती है कि ये कैसा है, उसने तो उसके अच्छे लिए बोला, ये कैसा रिप्लाई किया इसने। फिर भी वो कुछ नहीं बोलती, वो बोलती है और जो मायशा है वो एक दो बोतल पानी, वाटर बोतल पानी निकलता है, पानी का बोतल निकलता है और एक पलक के हाथ में देती है कि मैडम आप ये रख लीजिए, और एक बोतल वो पंखुड़ी की साइड में करती है और पंखुड़ी कुछ नहीं बोलती, वो बोतल अपने हाथ में ले लेती है क्योंकि बहुत सारे सीढ़िया है ना, उठने में अगर पानी पीना तो पी सकते हैं, ऐसे गला सूख जाए ऐसा जा सकते हैं, इसलिए तो जो पलक है वो बोलती है महिषा क्या तुम यहीं पे रुकोगी या कुछ आगे तक जाओगे हमारे साथ। तो बोलती है नहीं मैं कुछ आगे तक जाऊंगी बस, तो क्योंकि वो तो जानते हैं क्योंकि वो मुस्लिम है वो तो इंटर नहीं करेगी या ज़्यादा अंदर नहीं जाएगी। तो वो लोग सब मंदिर में जाते हैं, महिषा ज़्यादा अंदर तो नहीं जाती, वो एक बाहर साइड रहती है। तो वो सब मंदिर जाते हैं जाने, फिर वो पूजा करती है सब लोग, क्योंकि वो सब तो हिंदू थे ना, सिर्फ महिषा के अलावा, तो सब पूजा करते। और उस मंदिर में जो पुजारी थे यानी पंडित, वो आते हैं सबकी जो माथे पे टीका होती है वो टीका लगाता है सबके माथे पे, जो वो पलक को आशीर्वाद देते, वो तो फेस देख के बोल देते हैं कि आप माँ बनने वाली, बोलते हाँ पंडित जी, बोलते हाँ आपकी फेस में दिख रहा है, उसके हाथ की कलाई में एक धागा बांधती है, फिर विकास की माथे पे भी टीका लगाते हैं। उसे देखते ही वो बोलते हैं कि आपका जो इरादा है अगर आप वो झटक दे तो ही आपके लिए अच्छा है। विकास तो कुछ समझता नहीं है, वो बस वहाँ से टीका लेते हैं और प्रसाद लेके आरती लेके वहाँ से चला जाता है। जब वो पंखुरे के पास जाता है, थोड़ा ट्विस्ट यही पे आता है क्योंकि पलक तो वहीं पे रहती थी, विकास वहाँ से जा चुका था, अरुण भी वही थे वहाँ पे थी। तो जो पंडित जी है वो जब पंखुरे की माथे पे टीका लगाते हैं, और मैंने अपनी आंखें बंद की थी, पलक तो देख रही थी ना, तो वो पंडित ने अपनी आंखें बंद की, एक मुस्कुराया और बोला बेटा। तो पंखुड़ी अपनी आंख खोली, बोली हाँ पंडित जी, बेटा तुम्हारी लाइफ जो सामने बहुत कुछ झेलनी होगी तुम्हें, अपना विश्वास और हिम्मत बनाए रखना, और तुम अपनी जो मन की आवाज़ है उसे सुनना ज़्यादा, आगे चल के तुम्हारी हिम्मत बहुत लड़खड़ाएगी, तुम्हें टूटना नहीं है, बस हिम्मत बरकरार रखनी है, और कोई जुड़ने वाली है, जुड़ने वाली नहीं बोलती सॉरी, वो पंडित बस बोलते हैं कोई जुड़ चुका है तुम्हारी लाइफ से, उसके लिए बहुत कुछ झेलना होगा तुम्हें। पलक ये सब सुनता सुनती तो है पर उसे कुछ समझ नहीं आती, और नहीं पंखुरी का, वो बस वो कुछ नहीं बोलती, वो एक धागा देती है, पंडित उसको एक धागा देती है और उसकी कलाई पर बांधती, और एक और धागा देती है उसको और बोलती है ये मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई और है आपके साथ। तो जो पलक है वो बोलते हाँ है खड़ी है नीचे, उसे ये दे देना। तो जो पलक बोलते नहीं वो ये सब नहीं वे करेगी क्योंकि वो मुस्लिम है, तो बोलता है आप दे दीजिएगा, ये समझ लो रक्षा का वजह। तो पलक को ले लेती है और वो लोग वहाँ से आरती लेके प्रसाद लेके चले जाते हैं, और प्रसाद वो घर के जो पलक की मोम है उनके लिए भी ले लेती है, और वो वहाँ से चले जाते हैं। तो सब लोग वहाँ थोड़ी उस मंदिर के आस पास थोड़ी घूमती है, घूम घूम के सब
वो लोग आधे घंटे तो वहीं पे निकल जाते हैं, और अब रात की 8:30 बज चुके होते हैं। तो सब लोग वहाँ पे थोड़ी सी घूम के फिर मायशा के पास जाते। मायशा सिरों के नीचे ही खड़ी थी, अपने फ़ोन को स्क्रॉल कर रही थी, और वो लोग नीचे आती है और पलक वो जो वो धागा दिए थे वो पंडित जी वो अपने पास ही रखी थी, वो निकाली थी उस धागे को, क्योंकि शायद वो बाद में देगी ये सोच के। फिर ये लोग आके गाड़ी में बैठते हैं, तो जो पलक जो मायशा है वो बोलते हैं, मैडम आप ठीक हो, आपको भूख लगी है क्या, हम लोग खाना खाए या घर पर जाके खाए। तो जो पलक है वो बोलते हैं, देखिए खा तो सकते हैं लेकिन मुझे लगता है कि मम्मी लोग शायद डिनर रेडी किए हो गए हमारे लिए, तो यहाँ से खाएं। तो जो मायशा बोलती है, मैडम एक बार पूछ लीजिए, तो वो लोग वहीं पे खड़ी होती है, तो वो कॉल करती है, और उसकी मम्मी ने फ़ोन उठाया और बोला, बेटा हमने डिनर रेडी कर लिया है, आप लोग बाहर से मत खाओ। तो वो लोग फिर बोलते हैं, वो लोग अच्छा ठीक है हमारे, ये बोल के कॉल कट कर देती है, और सब लोग फिर से गाड़ी पे आके बैठती है, और गाड़ी पे आके बैठते हैं। फिर ये लोग वापस आने के लिए रेडी हो जाते हैं, रेडी मतलब कि कार में आके बैठ जाते हैं सब लोग एक एक करके, और एक एक करके बैठ जाता है। और जो जो पालक होती है वो बहुत ज़्यादा थक जाती है, क्योंकि इससे पहले इतनी पैदल वो कभी नहीं चली थी, तो वो थक जाती है। और जब वो थकती है तो वो तो सीट बेल्ट लगी हुई थी ना, तब भी उसकी सर इधर उधर हो रहे थे। तो जो मायशा है वो थोड़ी सी खिसकती है, और उसकी शोल्डर एक साइड करती है, क्योंकि जो पलक की सर एक बार इधर होती है तो एक बार उधर होता है, इसलिए सपोर्ट देती है शोल्डर से। तो जब जब पंखुड़ी ये देखती है पीछे से, तो उसे अच्छा लगता है कि उसकी बहन का इतनी अच्छे से ध्यान रख रही थी उसे। मन अब उसकी जो नज़र में जो मायशा की जो रूडनेस थी, जो रूडनेस एक पर्सनैलिटी, वो थोड़ी अच्छी होने लगी थी, कि बंदी अच्छी है, कैरिंग नेचर बहुत है, खास करके पलक के लिए। तो पूरा रास्ता वो ऐसे ही शोल्डर पे सर रखती है पलक। फिर ये लोग पहुंच जाती है, और जो पीछे तीन दो इंसान विकास और अरुण, ये दोनों भी गोरे गधे बेच के सो गए थे, सिर्फ पंखुड़ी मायशा ही जगे। तो जो पंखुड़ी है वो बहुत गौर से मायशा के फेस को पढ़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो सफल नहीं होती, क्योंकि जो मायशा की आंखें हैं वो एक दो बार आई कांटेक्ट करने की कोशिश की लेकिन नहीं हो पाई, इसलिए वो सफल नहीं होती। तो जब वो पहुंचती है तो गाड़ी रुकने से ही पलक उठ जाती है, और देखती कि उसका सर मायशा की शोल्डर पे है। तो बोलते हैं, अरे मैं कब से सो गई। तो पंखे बोलते, यार गाड़ी स्टार्ट होने के कुछ देर बाद ही तू सो गई थी, और पूरा रास्ता ये मोहतरमा तेरा जो बॉडी गार्ड है। तभी मायशा घूर के देखती है पलक की तरफ, तो पंखुड़ी चुप हो जाए, बोलती मेरा मतलब मायशा जब गाड़ी चला रही थी तब से तो उसके शोल्डर पे थी। तो पलक बोलती, अरे मायशा तुम मुझे उठा देती। तो मायशा बोलती, नहीं मैडम ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही थी। तो ये विकास भी उठ गया था, लेकिन जो अरुण है वो तो बस वो बच्चा है, वो भी बहुत थक गया था तो वो भी सो जाता है। तो जो विकास है वो तो गाड़ी की रोकने के बाद ही वो उतर के चला जाता है, किसी को कुछ कहा नहीं, वो बस चला जाता है। तो मायशा उतरती है, पलक को उतरती है, फिर पंखुड़ी उतर जाती है। अब ये तीन दोनों देखते हैं कि अरुण तो सोया हुआ है, अब इसका क्या करे। तो पंखुड़ी उसे बुलाने वाली ही थी कि मायशा बोलती, मैडम मत बुलाइए, उठाइए मत, मैं उसे उठा के ले जाती हूँ। तभी पंखुड़ी बोलते हैं, प्रॉब्लम नहीं होगी। नहीं मैडम कोई प्रॉब्लम नहीं होगी।
तो पालक बोलते हैं प्रॉब्लम नहीं होगी लेकिन तुम गाड़ी पार्किंग कैसे करोगे। तो बोलते मैडम आप लोग जाइए, मैं पहले गाड़ी पार्किंग करूँगी फिर मैं इसे लेके आता हूँ। तो ये वो सब लोग चले जाते हैं। फिर मायशा गाड़ी पार्क करती है, फिर अरुण को गोद में उठाती है बहुत क्लियर केयरफुली, फिर लिफ्ट से वो उसे लेकर आ जाती है। सब लोग जाके बैठती है। तो जब मायशा आती है तो वो बोलता है इसे उठाना है या सुला दो। तो पलक की जो मामा है बोलते बेटा इसे सुला दो क्योंकि अगर आप इसे उठाऊं तो ये पूरा रात मुझे सोने नहीं देगा। तो वो जाते हैं और क्योंकि पलक का छोटा भाई और विकास एक रूम में ही सोता है, तो जब वो जाता है तो विकास फ्रेश होके ऑलरेडी बाहर आता है और वो टॉवल में था। तो जो हमेशा डोर ओपन करता है तो देखता है, ऐसा होता है ना कि लड़कों के भी एक वो क्या बोलता है मैन को, कुछ लड़के होते हैं ना कि अगर आपको ऐसे कोई देखे तो जल्दी से खुद को कवर करेगा या फिर उस जगह वहां से हट जाएगा। विकास के साथ ऐसा नहीं होता। वो जब देखता है कि मायशा अरुण को लेके आता है वो वहीं पे खड़ा हो जाता है और वहां से हटता भी नहीं। मायशा उसके तरफ नहीं देखता, वो बस अरुण को वहां पे सुलाता है और वहां से जल्दी ही निकल जाता है, पीछे मुंह पर नहीं देखता। तो विकास अपने मन में ही बोलता है कब तक भागोगी, आना तो तुम्हें मेरे पास ही रहेगा, मुझे तुम चाहिए चाहे जो भी हो। फिर वो विकास अपना ड्रेस पहनता है और बाहर आ जाता है और पलक की जो सासू माँ है वो सबको बोलते तुम सब जाओ फ्रेश हो, फ्रेश हो के आओ मैं खाना लगाता हूँ। तो सब लोग जाते हैं फ्रेश होते हैं और आते हैं और खाना लगाते हैं खाते हैं। लेकिन जो मायशा है वो बोलते हैं मैम मुझे जाना होगा। तो जो पलक बोलते हैं जाना होगा क्या मतलब, हाँ हमें मुझे घर जाना है। तो तब तक 10, 10:30 तो बज ही गए हैं। तो पलक बोलते हैं क्यों आज रुक सकते हो, तो नहीं मैडम मुझे जाना है क्योंकि मेरे भाई का पेपर आया था और वो A+ पाया था और मुझे उसके लिए कुछ खरीदना है जो मैं भूल गई, अगर लेके नहीं गई तो वो मुझसे नाराज हो जाएगा। तो पंखुरी बोल उठते हैं अगर ऐसा है तो जब हम घूमने गए थे आप तभी ले सकती थी। मायशा कुछ नहीं बोलती है, वो पलक से बोलती है मैं चलती हूँ सुबह आ जाऊँगी। तो जो पलक है बोलते अरे ठीक है पर डिनर तो करके जाओ। नहीं मैं घर जाके कर लूँगी, ये बोलकर कुछ नहीं सुनती, वो वहाँ से चली जाती है। और वहाँ से चली जाती है, उसकी सासू मोम को भी, पलक की सासू मोम को और मोम को भाई बोल कर वहाँ से चली जाती है। पंखुड़ी अपने मन में ही बड़बड़ा रही थी ऐसा क्या है, डिनर तो कर जा सकती थी। नहीं अपने आप में क्या समझती है पता नहीं, 30 मार खान समझती है, अपने आप ही बड़बड़ा रही थी। पलक बोलती तू क्या बोल रही है जोर से बोल ताकि हमें भी सुनाई दे। कुछ नहीं खा जल्दी से। तो जो तो 10:30 तो बज चुके हैं। तो वो मायशा जल्दी से शॉपिंग मॉल जाता है और वहाँ से एक शॉप पे जाती है और अपने भाई के लिए चॉकलेट और जो वीडियो गेम्स उसने कहा था वो खरीदती है और एक ऑटो पकड़ कर अपने घर चली जाती है। घर आने के बाद जब देखता है एक डोर ओपन उसके मामू करती है तो बोलते बेटा इतनी रात तुम ठीक हो। हाँ मैं ठीक हूँ। तो छोटा कहा बेटा वो तो सो गया तुम्हारा इंतज़ार करते करते। तभी उसकी मायूस हो जाती है क्योंकि उसने प्रॉमिस किया था अपने भाई से। तो तभी वो अपनी रूम में जाती है और अपने भाई के रूम पे जाती है और वो चॉकलेट और वीडियो गेम जो है उसके पिलो के पास रखते हैं और उसके सर फॉरहेड पे किस करते हैं, अपना हाथ बुलाते हैं, बोलते हैं सॉरी बेटा दीदी लेट हो गई, आइंदा से नहीं होगा ऐसा सॉरी। ये बोल के
फिर से फॉरहेड पे किस करके वो हंसे चले जाते हैं रूम में, और जाने से पहले अपनी मोम को बोलती है, मोम भूख लगी है, आप टेबल के खाना लगाओ, मैं फ्रेश होकर आती हूँ। तो उसकी मोम बोलते हैं हाँ ठीक है बेटा। तो वो फ्रेश होकर आती है, खाती है और अपनी मोम को बोलती है, तुम अपनी मोम से कुछ बातें करते हैं, फिर अपनी रूम में जाके सोती है। और उधर जो पंखुड़ी है वो पलक से बात कर रही थी, विकास खा विकास और जो पलक की मोम सासू वो लोग अपने अपने रूम में जाके सो जाती है। जो पलक है वो पंखुड़ी के साथ उसकी रूम पे आती है और वो लोग अपने अपने बात कर रही थी। जो पंखुड़ी है वो तो कुछ सोच में डूबी थी, जो पलक है उसे टैप करती कि क्या हुआ, किधर कहाँ गायब हुए। तो जो पंखुड़ी बोलते कहीं पे नहीं। अच्छा तेरी बॉडीगार्ड अपने घर पहुँचा कि नहीं, तूने खबर ली? तो बोलते अरे यार मैं तो भूल गई, रुक अभी कॉल करता हूँ। तो वो महेशा को कॉल करते हैं, एज यूजल उसका फ़ोन लाउड स्पीकर पे थे। तो फ़ोन महेशा रिसीव करते, बोलते जी मैडम कुछ प्रॉब्लम, आप ठीक हो? तभी जो पलक बोलते ज़रूरी नहीं कि कुछ काम से ही मैं तुम्हें कॉल करूँगी, तुम घर पहुँचे कि नहीं इसीलिए मैंने कॉल किया, अपने खुद के लिए नहीं की। बोलते सॉरी मैडम, हाँ मैं घर पहुँच गई, हाँ डिनर किया आपने? हाँ आपने की मैडम? हाँ की मैंने। घर में सब ठीक है? जी मैडम सब ठीक है। अच्छा तो कल कितने बजे तक आओगे? हाँ मैडम 9 बजे तक मैं पहुँच जाऊँगी। तो पलक बोलते अच्छा ठीक है तो अभी सो जाओ। तो बोलते हैं जी मैडम। तो पलक कॉल कट कर देते हैं और जो पंखड़ी बोलते इसका मुझे समझ नहीं आता। तो पलक बोलते किसका? तो बोलते ये तेरी बॉडीगार्ड, पता नहीं ये क्या अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और ट्विन कॉम्बिनेशन है यार, मुझे कुछ समझ नहीं आता इसका। इसका मैं पहली बार किसी के फेस रीड नहीं कर पाई, तुझे पता है मैं कितनी बार कोशिश की, लेकिन क्या ये क्या चीज़ है? कभी जो पलक है बोलते क्या कुछ भी कुछ नहीं, उसकी वो थोड़ी हाँ ज़्यादा इंट्रोवर्ट टाइप है, कम बोलती है, इससे ज़्यादा क्या? दी नहीं नहीं तू जो समझ रही वो नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि इसकी डबल को पर्सनालिटी है। तो बोलते तू भी पागल हो गई, मुझे लगता है तुझे सोने की जरूरत, डबल पर्सनालिटी क्या होता है? तुझे पंखड़ी बोलते अरे बुद्धू डबल पर्सनालिटी मीन अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और। तभी पलक बोलती है देख मुझे ये सब नहीं पता, वो बहुत अच्छी लड़की है। एक बात बता तुझे उसमें इतना इंटरेस्ट क्यों आ रही है? मुझे क्या मतलब इंटरेस्ट क्यों आ रहा है यार, मैं साइकोलॉजिस्ट हूँ तो क्या हुआ साइकोलॉजिस्ट है? तू उस पर ध्यान कम दे, अपने आप पे ध्यान दे, बस कल का दिन होता है उसके बाद तो तू भी बिजी हो जाएगी। तो ये लोग अपने आप में बात करते हैं, तो देखते हैं आगे क्या होता है, आज के लिए इतना ही। तो आज का सफ़र यही तक है, नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं, देखते हैं आगे क्या होता है। और जो विकास के इरादे हैं उसका क्या होता है। तो यारो प्लीज़ सपोर्ट करो, थोड़ा मेरी हिम्मत तो बढ़ाओ, लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब कर दो, अपना ध्यान रखो और अपनों का भी ढेर सारा प्यार बांटो। खुदा हाफिज़।